दोस्तों, आमतौर पर कोई भी चूहों की झूठी चीजें खाने के बजाय उसे फेंकना पसंद करता है, लेकिन इस मंदिर में भक्तों को चूहों का झूठा प्रसाद ही दिया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि इसे खाकर आज तक कोई भी बीमार नहीं हुआ। इस पवित्र मंदिर में 25,000 से भी ज़्यादा चूहे हैं, और इसी वजह से जहाँ पैरों को ऊपर उठाने की बजाय घसीट कर चलना पड़ता है ताकि कोई भी दबकर मर ना जाए। ये मंदिर सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें माँ करीना का वाहन भी माना जाता है। एक कथा अनुसार माता करीना की संतान पति और बहन का बेटा लक्ष्मण सरोवर में डूबकर मर गए थे। जब इस बात का पता माता करीना को चला तो वह जम के पास गई और लक्ष्मण को जीवित करने की काफ़ी प्रार्थना की। इसके बाद जम ने विवश होकर लक्ष्मण को चूहे में पुनः जीवित किया था।